हेलो गाइज गुड आफ्टरनून वेलकम टू आ टेक्स बुक और मैं पास आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स्ट बुक बिहार पर सो फटाफट आ जाइए बेटा जल्दी से सेशन को ज्वाइन करिए एक बार मुझे बता दीजिए इज द ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है क्या ऑडियो क्लियर है या वीडियो क्लियर है जल्दी से बता दीजिए एक बार फिर मैं सेशन को यहाँ पर आगे बढ़ाऊँ फटाफट बता दीजिए बेटा इज द ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट हाँ जी गुड आफ्टरनून प्रशांत गुड आफ्टरनून उत्कर्ष गुड आफ्टरनून शुभम आचार्य जी मैं बढ़िया हूँ एकदम से एंड गुड आफ्टरनून भाई गुड आफ्टरनून पुनीत खरबार जी तबीयत ठीक है एकदम से बढ़िया बिंदास अच्छा हूँ चलिए शुरू किया जाए सेशन फिर आज आपका आप लोगों का साइंस का सेशन चल रहा है आप लोगों का साइंस में हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग और इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखो यार सिंपल सी बात यह है कि साइंस जो सेक्शन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो अगर बिहार की आप तैयारी कर रहे हैं खासकर आप बी की तैयारी कर रहे हैं बी के अलावा मान लीजिए क्या बोलते हैं बिहार के जो और एग्जाम होते हैं बिहार के गवर्नमेंट जॉब होते हैं इनकी तैयारी कर रहे हैं आप अगर मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर रहे हैं रेलवे की तैयारी कर रहे हैं एस की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस का एक पोर्शन हर एग्जाम में आता है लेकिन ये साइंस थोड़ी सी अलग होती है वेदर देन द जो साइंस आपने इलेवंथ ट्वेल्थ में या नाइन टेंथ में पढ़ी हुई है तो उसमें से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो अपलाइड टॉपिक्स होते हैं तो उन्हीं टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे उन्हीं टॉपिक्स पर क्वेश्चन जो है हम लोग करने वाले हैं राइट तो उनको आप लोग नोट करते जाइए नोट डाउन करते जाइए क्वेश्चन को करते जाइए जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको फायदा आगे चलकर होगा आपके एग्जाम में राइट चलिए फिर शुरू करा जाए फिर आज का आज का क्लास और क्लास को आप लोग क्या करिए बेटा शेयर कर दीजिए सब लोग अपने अपने ग्रुप में जहाँ जहाँ कर सकते हैं आप लोग ठीक है सो जस्ट गाइट शेयर द ग्लास और शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर चलिए भाई हाँ जी पिछले का रिवीजन रिवीजन करवा करवा दो ना सर दूंगा रिवीजन के लिए, आप, लिए डोंट वरी अबाउट दैट चलिए तो बीपीएससी की कोचिंग यहाँ पर उसके लिए हमारा जो टेस्ट बुक सुपर कोचिंग है आपके लिए ला रहा एक बहुत ही सुनहरा मौका है यहाँ पर आपको टेस्ट बुक सुपर कोचिंग के द्वारा आपको यहाँ पर ट्वेंटी सुपर कोचिंग हम अलग एक टाइम पर अलग अलग तीन चार कोचिंग नहीं कर सकते हैं पर कुछ कोचिंग कुछ, कुछ अच्छा है कुछ कोचिंग कुछ, कुछ अच्छा है कुछ कोचिंग है कुछ अच्छा है तो वहाँ से अच्छी चीजें उठा के हम लोगों ने एक जगह पर रखी हुई है यहाँ पर इसमें आपको पच्चीस प्लस वीडियो कोर्सेज मिलने वाले हैं सुपर टीचर्स के द्वारा दो प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे दो प्लस स्ट्रीट नोट्स मिलने वाले हैं और थाउजेंड प्लस आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी बाय द एक्सपर्ट के द्वारा जहां पर आपके राहुल चंद्रा सर विद्या एजुकेशन आनंद श्रीधरम डायरेक्टर ऑफ रिप्लिक ए आई एस गुरु रहमान एम सिविल सर्विसेज के कुछ आपके फेमस टीचर्स द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा राइट और यहाँ पर आपको ये सिर्फ सिर्फ प्राप्त होगा कितने में सिक्स सिक्सटी सेवन रुपीज़ पर मंथ में राइट सिक्स सिक्सटी सेवन रुपीज़ पर मंथ में आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है तो आज ही जाइए इसको परचेज़ करिए और यहाँ पर एक मेरी तरफ से आपके लिए ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट है इसमें भी आपको ए पी एस ट्वेंटी कोड जो है उसको यूज करना है और बीस परसेंट का डिस्काउंट आपको यहाँ से लेके जाना है ठीक है चलिए फिर पहला सवाल आज का बढ़ते हैं और ये आपको रिविजन वाली बात बोल रहे थे आपकी जो क्लास है आपकी मास्टर क्लास इससे जो अटैच्ड है इसी क्लास से अटैच क्लास है वो आपकी होगी कितने बजे डेली साढ़े चार बजे फोर्थ थर्टी पी पर होगी तो पिछले क्लास के रिविजन के लिए आप लोग यहाँ आ सकते हैं चार तीस वाली क्लास में कोई डाउट भी अगर होते हैं तो उनको भी आप यहाँ रेज कर सकते हो कोई अगर आपसे सवाल होते हैं तो वो भी यहाँ पे पूछ सकते हो तो अच्छी बात है यार और यूट्यूब में क्या चाहिए आपको यूट्यूब की क्लास का आपको रिविजन मिल रहा है तो ये अपने आप में एक अच्छी बात होगी ना भाई तो आज जो क्लास करोगे उसका रिविजन कल होगा कल क्लास करोगे परसों हो जाएगा ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी बात पर पहला सवाल यहां से आता है कि थर्म इज यूनिट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग निम्नलिखित में से जो थर्म है वो किसकी इकाई होती है तो आपने कई बार सुने होंगे क्या सुना होगा आपने आपने थर्मोमीटर सुना होगा थर्मोमीटर सुना होगा ठीक है थर्मो एस्पेयर सुना होगा थर्मस सुना होगा बचपन में थर्मस सुना होगा आपने थर्मस और और क्या सुना होगा आप लोगों ने थर्म आइसोथर्म सुना होगा सुना होगा और इसके साथ साथ में क्या सुना होगा आप लोगों ने थर्म से यहाँ देखिएगा थर्म 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 से यही सुना होगा आपने और क्या सुना होगा हाँ तो थर्म मतलब होता है हीट थर्मोमीटर की बात करें हीट नापने के काम में आता है मेजरमेंट ऑफ द हीट करते हैं थर्मोस्पियर की बात करें तो चौथी लेयर पड़ती है आपके एटमोस्फियर में इसको आयोस्पियर के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है इस वह इसको थर्मोस्पर भी कहते हैं थर्मस की बात करें तो बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पापा हम लोगों ले के लेके आते थे वो क्या बोलते हैं जो थर्मस वाले क्या बोलते हैं आ, वो लेके आते थे पानी के लिए टिफिन लेके आते थे जिसमें हम लोग लंच बॉक्स लेके जाते थे तो वो थर्मस हो गया आपके राइट आइसोथर्म की बात करें तो सेम टेम्परेचर वाली जो लाइनें होती है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग आइसोथर्म बोलते हैं तो यहाँ से थर्म का मतलब हो गया हीट ठीक है सिंपल सिंपल सवाल हो गया बट इससे जुड़े हुए चार चीज़ें मैंने आपको बताती हूँ और ये चारों सवाल इनडायरेक्टली रूप में पूछे गए कि वाट इज द थर्मोमीटर का काम क्या होता है टेम्परेचर कैसे नापते हैं और एटमोसफियर की कौन से लेयर है जिसमें कि आयनिक स्टेट में पाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स और इसके अलावा थर्मस आ, क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है जिसमें हीट ना तो अंदर जा सकती है ना बाहर जा सकती है ठीक है एडियाबेटिक सिस्टम आइसोलेटिक सिस्टम इसके साथ साथ में आपका आइसोथर्म ठीक सेम टेम्परेचर वाली लाइन है तो ये सब आपका टेम्परेचर से रिलेटेड है क्लियर यहाँ तक कोई डाउट किसी को आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा मिस्टर खिलाड़ी जी आ चुके हैं सुष्मिता खंगवाल जी पुनीत खरवार जी राहुल सिंह आजाद जी जय हिंद भाई राहुल सिंह आज़ाद आगे बढ़ते हैं सवाल ऐसा अगला आता है कि दी क्वेश्चन आता है कि द दॉलेस्ट एंड द थिकेस्ट टाइप ऑफ द ग्रास घास का सबसे लंबा और मोटा प्रकार क्या होता है गरारी होता है भूसा होता है बांस होता है या फिर सहवाल होता है क्या होता है घास का सबसे लंबा प्रकार बताइए जरा जल्दी से बेटा राहुल सिंह आजाद और सभ्य साची सभ्य साची भी आए हुए हैं आज बहुत दिनों बाद सभ्य चाची दिखाई पड़े मुझे सभ्य साची सुमित मीना प्रिंस और शुभम वर्मा वेरी गुड मिस्टर खिलाड़ी भी आए हुए हैं राहुल सिंह आजाद गोविंद भी आए हुए हैं क्या बात है काफी बच्चे दिख रहे हैं। पुराने -पुराने मुझे मोना कुमारी है।, है एक तरीके की घास है बांस क्या है बेटा एक तरीके की घास है ये इसको क्या बोलेंगे घास बोलेंगे ठीक है चलिए सवाल यहाँ से मेरा और आता है यहाँ से बेम्बू जो है बांस सबसे ज्यादा किस पाया जाता है बेम्बू या बांस सबसे ज्यादा किस जगह पर पाया जाता है पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कौन सी कंट्री में बैम्बू का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है जरा बताइए बैम्बू का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है प्रिंस सुमित जी संतोष संतोष हाय 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 सर हाई, हाई चलो सबसे देखते हैं आप तो कौन जवाब देता है कौन चीता है तुम में से हाँ सभ्य साथी मैंने पहचान लिया मैं इतनी जल्दी बोलता बोलता नहीं हूँ नाम चेहरे नंबर और रास्ते मुझे मैं जल्दी नहीं बोलता राइट तो सभ्य साथी मैंने पहचान लिया आपको राइट आगे बढ़ते चलिए बैम्बू एनी वन चाइना रसिया ओहो इंडोनेशिया इंडिया ब्राजील चलिए चाइना हाँ इंडिया में तो इंडिया में तो असम वाला एरिया हो जाएगा इंडिया में तो असम वाला एरिया हो जाएगा सिंपल देखो यहाँ पर जहां पर रेन क्या हो देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाएंगे सिंपल सिंपल समझना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाएंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाएंगे जहां पर टेम्परेचर भी अच्छा खासा होगा ह्यूमिडिटी होगी और इसके साथ साथ में वहां पर क्या वर्षा भी अच्छी मात्रा में होगी तो वहां पर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये पाए जाएंगे राइट तो ये जो आपका एरिया होगा जैसे कि इंडोनेशिया मलेशिया ब्राज़ील वाला एरिया हो गया इसके साथ साथ में इंडिया में असम वाला नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया राइट इधर आपका वेस्ट बंगाल में कुछ एरिया हो गया यहाँ पर तो इन जगहों पर बांस सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाएगा ठीक है क्लियर वेरी गुड हाँ जी बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त सवाल यहां से आता है हाँ अमेजोन के जंगलों में पाए जाएंगे ब्राजील में पाए जाएंगे बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग अच्छा रबड़ कहाँ पाई जाएगी तो रबड़ भी कुछ ऐसी जगहों पर पाई जाती है रबड़ थोड़ी सी ह्यूमिड रीजन होना चाहिए उसके लिए थोड़ा सा वर्षा भी होनी चाहिए वहां पर तो रबड़ के प्रोडक्शन की बात करें अगर तो रबड़ के मामले में इंडिया में कौन सी जगह है दोनों बताना इंडिया में बताना वर्ल्ड बताना जो जो बताता चला जा रहा हूँ इंडिया और वर्ल्ड दोनों याद रखने हैं और ऐसे सवाल हैं आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं हर एग्जाम में आप उठा के देख लो पेपर और आप बुलंद सर नहीं आया एक क्वेश्चन जो करा रहा हूँ आपको राइट तो रबर के मामले में इंडिया में हो जाएगा आपका कौन सा केरला केरला में रबर सबसे ज़्यादा होता है रबर और उसमें बताइए वर्ल्ड में वर्ल्ड में।, में किस जगह पर रबर सबसे ज़्यादा होती है केरला तो इंडिया हो गया वेरी गुड गोविंद और राहुल सिंह वेरी गुड योगेंद्र चौहान हाँ योगेंद्र चौहान भी आ चुके हैं योग चौहान भी मुझे याद आ गया आप कहाँ पर हो मैं मुंबई में उस टाइम पर योग चौहान चलिए थाईलैंड आंसर आ रहा है बढ़िया थाईलैंड आंसर आ रहा है मलेशिया वेरी गुड ये थाईलैंड मलेशिया जैसी जो जगह है थाईलैंड वगैरह में यहाँ पे क्या, के रह, क्या आपके रबड़ ज्यादा पाई जाएगी ठीक है रबड़ हो गया वेरी गुड बहुत बढ़िया और ऐसे कुछ एरिया होते हैं जहाँ पर जूट पाई जाती है जूट भी इन्हीं कुछ एरिया में पाई जाती है ना जो ऐसा मौसम होता है वहाँ पर जूट पाई जाती है तो देखो ऐसे करके ना इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे ना तो अच्छा रहेगा आपके लिए जूट भी आपके यहीं पाई जाएगी वेस्ट बंगाल वाला एरिया हो गया जूट पाई जाएगी यहाँ पर ऊपर से जो पाकिस्तान जो अभी जो पंजाब है ऑक्युपाइड पाकिस्तान के अंडर आता है उधर जूट की खेती बहुत ज्यादा होती है जहाँ पर पानी वानी खूब ज्यादा भरा रहता है तो यहाँ पर जूट की खेती हो जाएगी राइट वेरी गुड तो बांग्लादेश हो जाएगा बहुत सुंदर वेरी गुड तो हाँ लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री आपकी इंडिया हो जाएगी ऐसे करके इसको याद कर लीजिए ठीक है जूट हो गया और रबड़ हो गई और आपका क्या हो गया बेम्बू हो गया और आप पानी से जुड़ा हुई एक और फसल है उस फसल का नाम क्या है राइस चावल तो राइस को बता दीजिए एक बार राइस के मामले में इंडिया में तो मैं बता दे रहा हूँ इंडिया में तो आपका कौन सा है बेस्ट बंगाल है बंगाल में राइस सबसे ज्यादा होता है चावल सबसे ज्यादा होता है अब मुझे बता दीजिए कि वर्ल्ड में राइस सबसे ज्यादा कहां पर होता है किस जगह पर एनी वर्ल्ड में राइस सबसे ज्यादा कहां पर होता है देखते हैं आपका आंसर क्या था वेस्ट बंगाल एंड द चाइना क्या बात है योगेंद्र चौहान गोविंद सुष्मिता खा, सुष्मिता कंगवाल जी भी आई हुई हैं वेरी गुड शुभम वर्मा सेवेंटी सिक्स भी आए हुए हैं वेरी गुड तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा ये हो जाएगा हमारा कौन सा चाइना हो जाएगा राइट वेरी गुड आगे बढ़ते हैं बहुत सुंदर अच्छा एक बात बताइए यहाँ पर ठीक है ये तो आपका कन्फर्म हो गया अब अगर एग्रीकल्चर करा दें आपको सारे सारे करा दें जितने भी एग्रीकल्चर में कौन टॉप पर है कौन कौन से स्टेट टॉप पर है और वर्ल्ड में कौन कौन से टॉप पर है करा दिया जाए हाँ या ना एक एक सुपर फास्ट रिवीजन हो जाए आपका सारे के सारे चलो करा देते हैं सारे के सारे हाँ जी तो देखो हाँ जी हाँ जी देखो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया राइस पढ़ लिया हमने रबर पढ़ लिया जूट पढ़ लिया अब आगे बढ़ते हैं एक एक करके चले जाइए चलिए सबसे पहले बीट के बारे में बात कर लेते हैं बीट यानी कि गेहूं तो गेहूं में आपका टॉप प्रोडक्शन हो जाएगा वो यूपी का हो जाएगा यूपी ठीक है स्टेट की बात करें यूपी वर्ल्ड वाला आप बताते चले जाइएगा सेकंड पे वर्ल्ड पे आएंगे राइट दूसरी बात है राइस बता दिया हम लोगों ने फ्रूट्स की बात कर लेते हैं फ्रूट्स फ्रूट्स में अगर देखे तो आपका आ जाएगा कौन सा आंध्र प्रदेश आ जाएगा आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा फ्रूट्स में सबसे टॉप पर हो जाएगा ठीक है बेटा थर्ड आ जाएगा वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां सब्जियों के मामले में आपका यूपी सबसे टॉप पर आ जाएगा ठीक है फोर्थ आ जाएगा कौन सा आपका शुगर केन यानी कि गन्ना पहले ये यूपी हुआ करता था लेकिन अभी एक दो महीने पहले महाराष्ट्र ने यूपी को क्या कर दिया है पास कर दिया है तो ये महाराष्ट्र यहाँ पे हो जाएगा ठीक क्लियर हो गई चीज चलिए चार चीजें हो गई अब मुझे वर्ल्ड में बता दीजिए आप लोग चलो हाँ जी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मामले में दोनों के मामले में चाइना जो है अभी भी टॉप पर बना हुआ है पहले इंडिया हुआ करता था लेकिन हाँ जी लेकिन अभी आप देखिएगा कि चाइना ने क्या किया है इंडिया को पीछे छोड़ दिया है चाइना का प्रोडक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो गया राइट तो आप लिख लेंगे आप चाइना लिख देंगे यहाँ पर चाइना लिख देंगे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में शुगर कैन में ब्राजील हो जाएगा शुगर कैन में ब्राजील हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा वेरी गुड बहुत बढ़िया सुमित और सुस्मिता खांगवाल जी वेरी गुड फ्रूट में चाइना हो जाएगा मैं बताया ना फ्रूट वेजिटेबल्स उसने पास कर दिया है अच्छा मिल्क बात करें अगर दूध की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन में अगर स्टेट वाइज देखें तो यूपी हो जाएगा और वर्ल्ड वाइज देखें तो वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइज देखें तो इंडिया हो जाएगा इसमें इंडिया ही है मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो ठीक और इसके साथ साथ में बात करते हैं कि कॉफी के लिए देख लीजिए इंडिया में कौन से स्टेट है कॉफी कहाँ पाई जाएगी कर्नाटक कर्नाटक में कॉफी पाई जाती है और लगभग लगभग इंडिया का सेवेंटी वन परसेंट कॉफी का प्रोडक्शन कहाँ से होता है कर्नाटक से होता है टी की बात करते हैं तो टी हो जाएगा आपका बेटा असम हो जाएगा असम से आ जाता है राइट टी तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे ठीक अब यहां से देखो पूरा एग्रीकल्चर वाला आपका खत्म हो गया कुछ बचा आपका कुछ बच रहा हो तो बताइए फटाफट क्या बच रहा है फल हो गए फूल हो गए आ, क्या बोलते हैं सब्जियां हो गई केला केला देख लीजिए वो तो आई गया फल वाला फल आई गया ठीक है क्लियर या ना हाँ जी हाँ वर्ल्ड ब्राजील कॉफी हो गया अच्छा एक बार बताइए कॉफी ठीक है एक वो क्या बोलते हैं उसे कोकोआ कहाँ पाया जाता है कोकोवा कोकोआ को ब कहाँ पाया जाए कोकोआवा जैसे वो बनाई जाती है चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं आप लोग डेरी मिल्क हाँ बॉर्न बिल्ले टाइप चॉकलेट आप गिफ्ट करते हैं खाते कम है गिफ्ट ज्यादा करते हैं तो तो कहा बताइए कोकोआ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है कोकोआ का को प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पर हो जाएगा एनी वन हाँ केला तो जमैका का है जमैका वेरी वेरी गुड केला जमैका हो जाएगा हाँ जी तो चॉकलेट मतलब लड़के लड़के खाएंगे तो खुद खाएंगे दस रुपये वाली या किटकेट खा लेंगे पाँच रुपये वाली फाइव स्टार खा लेंगे दस रुपये वाली एक गिफ्ट करना होगा भाई साहब तो कर कम से कम डेढ़ सौ दो सौ से कम के गिफ्ट नहीं करने वाले हैं राइट और ये देखा ये फैक्ट है आप लोग याद रखिएगा हमेशा फैक्ट रहा है ये नाइन्टी परसेंट लोगों के ये फैक्ट रहा है राइट तो आप लोग सेशन को लाइक करिए सेशन को शेयर करिए और खुद भी चॉकलेट खाइए गिफ्ट करिए सौ रुपये के तो खुद पचास रुपये के भी खाया करिए पाँच रुपये खा के क्या करोगे यार और सच्चाई बता रहा हूँ ये मैं हर कॉलेज स्कूल में यही होता है चलिए फुल एक्सपीरियंस है अभी फुल एक्सपीरियंस की बात नहीं है यार कॉलेज में पैसे लिमिटेड होते थे मान लो किसी को बर्थडे किसी चॉकलेट देनी है हाँ तो खुद कौन खाएगा सौ रुपये का, का? चॉकलेट सौ रुपये में तो कॉलेज में बहुत कुछ खाया जा सकता था चॉकलेट छोड़ दो इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें आती थी जो सौ रुपये में मिल जाती थी तो वो खाएंगे कि चॉकलेट खाएंगे यार ठीक है हाँ आइवरी कोस्ट यहाँ पे दिया है मीनल देवगड़े ने आंसर दिया है बहुत बढ़िया आइवरी आइवरी वेरी गुड

पहले तो देखो यही देख लेते हैं सिट्रिक एसिड पाया जाएगा ये लेमन पाया जाएगा या जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं सिट्रस का मतलब होता है खट्टे फल होते हैं खट्टे फल होते हैं यहाँ पर इस केस में ये पाया जाएगा राइट टार्टिक एसिड पाया जाएगा इसको बोलते हैं इमली में पाया जाएगा राइट इमली इमली में पाया जाएगा जिसको के नाम से भी हम लोग जानते हैं तो जो गोलगप्पे खाने जाते हो और जो खट्टा स्वाद आता है वो खट्टा स्वाद किसका होता है वो टार्टरी का होता है राइट

मधुमक्खी के बी के डंक में पाया जाएगा राइट तो ये सारे पाए जाएंगे ठीक है पहले एक जमाना था जो दो रुपए के पांच मिलते थे अब तो छोड़ दीजिए अब तो ये दो रुपए का एक नहीं मिलेगा ठीक है अभी रिसेंटली हमने मतलब अपनी लाइफ के सबसे महंगे गोलगप्पे खाए थे डेढ़ सौ रुपए के छह चलिए आगे बढ़ते हैं टाटिक ऐसे टाटिक हम लोग राइट तो ये हो गए आपके करेक्ट अब देखो यहाँ से देखो कुछ मैं आपको नाम लिखूंगा वो नाम आप बताइएगा जैसे बोलिए तो एप्पल एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाएगा टोमेटो टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाएगा कर्ड दही में कौन सा एसिड पाया जाएगा राइट और क्या क्या पूछ देते हैं और पूछ देंगे यहाँ पर हाँ आ, क्या बोलते हैं ये बता दीजिए पहले एप्पल की बात करें तो यहाँ जाएगा बेटा मैलिक एसिड एप्पल क्या हो जाएगा मैलिक एसिड वेरी गुड ओसी बोल रही हैं कि सर कोलकाता का गोलगप्पा भेजेंगे आपको हाँ भेजिएगा यार जरूर खाएंगे तो मैलिक एसिड मैलिक एसिड हो गया यहाँ पर ठीक है बात और ये टोमेटो की बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड और ये ऑक्जेलिक आपका टोमेटो के अलावा आपका एक चीज और जाएगा जिसको बोलते हैं पालक बोलते हैं क्या बोलेंगे पालक भी कहते हैं उसको ठीक और इसके साथ साथ में कर्ड की बात करें तो लैक्टिक एसिड पाया जाएगा तो जहां पर भी दूध की बात आ जाए जहां पर भी दूध फटने की बात आ जाए जहां पर भी दूध के खराब होने की बात आ जाए तो लेक्ट बर्ड जो है वो याद रखिएगा अगर सवाल बने आपसे कि दूध क्यों खराब होता है क्यों फट जाता है लैक्टिक एसिड की वजह से कौन सा बैक्टीरिया होता है लैक्टोबेसिलस होता है किससे दूध को नापते हैं उसकी प्योरिटी वगैरह लैक्टोमीटर से नापते हैं राइट तो ये पाया जाएगा ठीक है मसल्स में जो पेन होता है एक्सरसाइज करने के बाद जो आपकी मसल्स होती हैं इन मसल्स में आपकी मांसपेशियों में एक्सरसाइज करने के बाद जो पेन होता है जो दर्द होता है वो दर्द किस वजह से होता है या कोई मारे आपको पाँचे घूसे आपको मार के के चला जाए पीठ पीठ पे ठप ठपा एकदम 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 से 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 और फिर लगेगा जो दर्द कर रही है तो आपको पता है कौन सा एसिड बन जाता है एक एसिड बनता है जिसकी वजह से दर्द होता है एनी आपकी मांसपेशियों में आपकी मांसपेशियों में मान लीजिए हाँ जी दर्द होता है कुछ मान लीजिए कोई एक्सरसाइज कर ले कुछ ऐसा कुछ काम कर ले बहुत दिनों से ना किया हो तो यहाँ पेक्टिक एसिड बनता है उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड इस लैक्टिक एसिड की बनने की वजह से आपको क्या होता है दर्द होता है तीन चार दिनों को दर्द अपने आप क्या हो जाता है गायब हो जाता है जैसे ही एसिड क्या हो जाएगा ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा राइट वेरी गुड प्रिंस शिवानी एंगले शिवानी इंगले भी आई हुई है आज वेरी गुड और यहाँ पर बहुत सारे लड़के मुझे देख रहे हैं पुराने पुराने पुनीत कारभार चलिए तो ये चीजें आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे ठीक है और आपकी जो क्लास है चलती है ना रेगुलर वो चलती है टेस्ट बुक बिहार आपका चैनल है टेक्स बुक का ही अलग से तो बिहार पर के लिए बिहार चैनल पर चलती है तो आप लोग अगर मेन चैनल पर आपको क्लास ना मिले तो टेक्स्ट बुक बिहार पर डेली आपको दो बजे क्लास चलती है कितने बजे दो बजे दो पी पर चलती है तो टाइमिंग नोट कर लीजिए और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए आपको वहाँ पर क्लास का लिंक जो है वो मिल जाएगा वो है आपका ए सर टेक्सट बुक के नाम से है ए पी सर टेक्सट बुक इसी पास मेरे अगर लिंक हो तो वो आप लोग शेयर कर दीजिए आपस में चैट पर तो इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ पर आपको सारे लिंक जो है वो मिल जाएंगे ठीक आगे बढ़ा जाए दोस्त

और स्कूल टाइम मूवी आई थी 2010 में या 2009 में अवतार मूवी आई थी 3D में राइट तो 3D एकदम से वो था हम लोगों के लिए तो बंक मार के गए थे हम लोग नवोदय विद्यालय से बाउंड्री कूद के देखने गए थे तो थ्री डी देख फिल्म देख में कौन सा लेंस प्रयोग होता है पोलराइड यूज होता है वेरी गुड इसको करते हैं पोलराइड बोलेंगे ना कॉनकेव होगा ना कॉन्वेक्स होगा कौन सा होगा बेटा पोलराइड होगा ठीक अब देखो यहाँ से सवाल बनते हैं कई सारे बहुत सारे बनते हैं हाँ गोबिंद नहीं देखे अभी तक हाँ अवतार टू आ रही है अवतार टू भी देखिएगा अच्छी जाएगी मूवी मुझे, मुझे लगता है ऐसा कुछ चलो अब देखो कुछ सवाल ऐसे बनते हैं जैसे कि पहला सवाल पूछेगा डॉक्टर जब डॉक्टर मान लीजिए दांत वाँत देखता है तो दांत वाँत देखने के लिए जो डॉक्टर होता है डेंटिस्ट होता है डॉक्टर को बोलो मैं डेंटिस्ट बोल देता हूँ डेंटिस्ट किस लेंस का यूज करता है जिसकी वजह से वो तुम्हारा छोटा सा दांत इंतु दांत इतना बड़ा देखने लगता है कौन सा होगा तो याद रखिएगा कि चीजों को इनलाज करने के लिए चीजों को बड़ा करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं सिंपल आप एक बार याद कर लो कि चीजों को बड़ा करने के लिए जूम करने के लिए किसका यूज करेंगे हम करेंगे किसका बेटा आप लेंस का यूज करेंगे वेरी गुड क्या बात है सारे चीते रखें कॉनकेब लेंस का यूज करेंगे वेरी गुड तो जब कभी भी आपका है कि यार डॉक्टर किसका यूज करेगा ऐसे करके जो देखते हैं हाथ वाथ देखते हैं जो लोग वो किस लेंस का यूज करेंगे तो वहां पे आपका आ जाएगा कौन सा कॉनकेब आ जाएगा यानी कि चीजों को बड़ा करने के लिए अब एक बार बताइए मुझे कि जो गाड़ी लगी होती है मतलब जब बाइक चलाते हो या कार चलाते हो तो कार के साइड से जो साइड मिरर लगा होता है ये साइड मिरर कौन सा लगा होता है साइड मिरर लगा होता है जरा बताइए किस मिरर का यूज करते हैं गाड़ी के बगल में तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्वेक्स हो जाएगा अब देखो कॉन्वेक्स हो जाएगा वेरी गुड बहुत बढ़िया तो कॉन्वेक्स हो जाएगा इसको नोट कर लेंगे ठीक कॉन्वेक्स हो जाएगा बहुत सुंदर चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या सवाल बनता है यहाँ से लेंस से और, और भी पूछा जाता है क्या पूछते हैं एक तो गाड़ी वाला हो गया एक तो अच्छा हेडलाइट में कौन सा वो यूज करते हैं हेडलाइट में जो लगता है हेडलाइट में तो हेडलाइट का भी पूछ देते हैं कभी कभी हेडलाइट में कौन सा यूज करते हैं तो ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आई बात समझ में हाँ या ना रमनदीप प्रिंस मिश्रा मीनल जोगड़े बताइए मिस्टर खिलाड़ी एनी

क्या बोले जरा बताइए कौन सा बैक्टीरिया होता जो है जो कि कॉलरा या हैजा को क्या करता है आ, आ क्या करता है उसको बढ़ावा देता है एनी वन आंसर हो जाएगा से बेटा नाम का बैक्टीरिया होता है क्या होता है नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि क्या बनाता है हैजा बनाता है टीबी किस बैक्टीरिया से होती है टीबी टीबी जिस रोग जो होता है टीबी टीबी किस बैक्टीरिया से होती है जरा बताइए बैक्टीरिया की बात आई है तो टीबी का भी बात कर लेते हैं टीबी किस बैक्टीरिया से होता है जरा ये भी बता दीजिए बैक्टीरिया की बात आई गई है तो टीबी की बात कर लेते हैं माइको बैक्टीरियम ट्रिवेगुलसिस वेरी गुड माइको बैक्टीरियम से होती है माइक्रो बैक्टीरियम से होती है बहुत बढ़िया चलिए एक स्टेट का सवाल भी पूछ लेते हैं यहीं पर टीबी डे कब मनाया जाता है टीबी डे कब मनाया जाता है ये भी बता दीजिए जरा टीबी डे टीबी डे कब मनाया जाता है एनी वन तो टीबी डे मनाया जाता है जिसको पता है अच्छी बात है जिसको नहीं पता है वो याद कर लीजिएगा यहाँ से चौबीस अप्रैल नहीं होगा बेटा चौबीस अप्रैल नहीं होगा चौबीस मार्च होगा क्रिप्टो वेल अप्रैल मई नहीं होगा अरे ऐसे देख लो ना यार एक क्या बोलते हैं लोग क्या बोलते हैं गांव वगैरह में बीडी मारोगे तो टीवी होगी क्या होगी बीडी मारोगे तो टीवी होगी ऐसे याद कर लो भाई बीडी मारोगे तो क्या होगी तो टीवी होगी अब बीडी मारोगे तो टीवी होगी बी मतलब दो हो गया डी मतलब चार हो गया रीजनिंग पड़ा होगा आप लोगों ने बी दो डी चार और मारो से क्या हो जाएगा मार्च हो जाएगा

तो इकतीस मार्च नहीं होगा बेटा प्रिंस ने यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया अब इकतीस मार्च नहीं होगा दिस इज नॉट द इकतीस मार्च दिस इज नॉट द जैसे मार्च इकतीस मई होगा मैंने इसके लिए ट्रिक बताई है जिसको नहीं पता है वो फिर देख लीजिएगा किसी भी सिगरेट पीने वाले से अगर आप पूछोगे कि बेटा सिगरेट कब छोड़ोगे बोलता है इस महीने के लास्ट में छोड़ दूंगा कब छोड़ देगा इस मंथ के लास्ट में छोड़ देगा तो मंथ के लास्ट में छोड़ता है तुरंत नहीं छोड़ेगा मंथ के लास्ट में छोड़ेगा तो मंथ का लास्ट क्या होता है थर्टी वन में 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 तो क्या क्या हो 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 जाएगा में क्या हो जाएगा एंटी डे हो जाएगा जाएगा आपका बोलो या ना को झारखंड ने टोबो जो है वो क्या कर दी है कर दी है चलिए बहुत सारी ट्रिक है मेरे पास करीब फाइव हंड्रेड के फाइव फाइव टू सिक्स हंड्रेड के आसपास ट्रिक्स हैं जो मैं आपको धीरे धीरे देता रहूंगा बट उसके लिए आपको क्लासें करनी पड़ेंगी और आप लोग ने एक वीडियो बना के दे दो हमको सारी ट्रिक की तो ये नहीं हो पाएगा आपको करनी पड़ेगी आना पड़ेगा राइट चलिए एक ये हो गया अब का बनाया जाता है, तो जब कोई बीमार पड़ता है घर में क्या चिल्लाते हो अब मम्मी जल्दी एक डॉक्टर बुलाओ पापा जल्दी एक डॉक्टर बुलाओ तो क्या बुलाओ क्या बुलाओ जल्दी एक डॉक्टर बुलाओ देखो जल्दी एक डॉक्टर बुलाओ जल्दी एक डॉक्टर बुलाओ तो जेईल क्या हो जाएगा जुलाई हो जाएगा जुलाई एक और डॉक्टर एक जुलाई को क्या हो जाएगा डॉक्टर डे हो जाएगा ऐसे इसको याद कर लो ये भी तरीका अच्छा है ना है, है न, बहुत अच्छे से याद कर सकते हो राइट इसको आगे बढ़ते हैं सवाल अगला आता है दोस्त की फॉलोइंग वुड साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट निम्नलिखित में किस ध्वनि में सबसे तेजी से यात्रा करेगी तो ध्वनि जो है सबसे तेजी से यात्रा किस में करेगी तो साउंड की जो स्पीड होती है वो क्या देखिएगा सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है फिर लिक्विड में होती है फिर गैस में होती है सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी सॉलिड में फिर लिक्विड में होगी फिर गैस में होगी ठीक है तो यहां पे देखो सिंपल बताएं आप लोगों को चलिए तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी फिर आपकी वाटर लिक्विड हो में सबसे ज्यादा होगी और फिर आपकी गैस में होगी तो क्या हो जाएगा यहां पर सॉलिड हो जाएगा ठीक है क्लियर वेरी गुड बहुत बढ़िया सॉलिड हो जाएगा सॉलिड लिक्विड गैस वैक्यूम वैक्यूम में तो टेबल करती नहीं है वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या होती है जरा बताइए अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन द वैक्यूम तो आपका जवाब क्या हो जाएगा तो आपका जवाब होगा सर जीरो होती 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 है जीरो होती है है कितनी जीरो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है अगर आपसे पूछे कि सर सुपर सोनिक क्या होता है अगर आप सवाल पूछा जाए पूछा जाता है पूछा गया है और पूछा जाएगा सुपर सोनिक सुपर सोनिक क्या है सर बताएं जरा व्हाट इज द सुपर सोनिक सुपर सोनिक किसको कहते हैं तो ये भी सवाल पूछा जाता है या कभी स्टेटमेंट दे देंगे आपको कि जब ऐसी कोई कंडीशन होगी तो उसे क्या बोलेंगे तो जब कभी भी, जब कभी कभी भी किसी भी और ये साउंड की स्पीड से तेजी से जाने लगे तो क्या हो जाएगा इसको बोलेंगे सुपरसोनिक बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको सुपरसोनिक बोलेंगे ऑब्जेक्ट स्पीड मोर देन ऑब्जेक्ट स्पीड मोर देन साउंड उसको बोलेंगे सुपर सोनी वेरी गुड बढ़िया हाँ जी नहीं दो जाए जाए नहीं बोलेंगे वो वो तो तो ना 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 वो तो आपका चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ लाइक फ्लैश फ्लैश आगे बढ़ते हैं दोस्त सवाल से आता है कि द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट बाई द नंबर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम संख्या की दृष्टि से जीव प्रणाली में सबसे अधिक प्रचुर तत्व क्या पाया जाता है हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन किसी भी लिविंग बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा यहां पर क्या पाया जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या पाया जाएगा एनी चलिए बताइए बेटा संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा किसी भी लिविंग बॉडी में क्या पाया जाएगा एनी आंसर लगाइए फटाफट जल्दी से बहुत बढ़िया तो हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा ऑक्सीजन लगभग लगभग के टू के के आसपास 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 पाया जाएगा ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है किसी भी लिविंग ऑक्सीजन पाया जाता है क्या पाया जाएगा ऑक्सीजन पाया जाएगा ठीक है बात चलिए वेरी गुड और याद देखिएगा सेकंड नंबर पर क्या पाया जाएगा सेकंड नंबर पर क्या पाया जाएगा जरा बताइए वट इज द कम होता द सेकंड नंबर तो सेकंड नंबर पर कार्बन आएगा कार्बन आ जाएगा सेकंड नंबर पर कार्बन जो पाया जाता है वो कितने नंबर पर आएगा सेकेंड नंबर पे आता है और हाइड्रोजन जो आएगा वो कितने पाएगा वो थर्ड नंबर पे आएगा ठीक क्लियर हाँ जी चलो अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं अच्छा ये आप तो ये तो बॉडी की बात हो गई अगर मैं बोलूं अर्थ की क्रस्ट में कहां पर अर्थ की क्रस्ट में ये तो बॉडी की बात हो गई लेकिन अगर अर्थ की क्रस्ट की बात करूं अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन पाई जाती है फिर एल्मियम पाया जाता है फिर पाया जाता है एलिमेंट पाया जाएगा तो एलिमेंट पूछा जाए तो आप ऑक्सीजन जवाब लगाइएगा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा आपका कौन सा मेटल पाया जाएगा तो जब मेटल पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर एल्मोनियम लगाएंगे ठीक क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं वेरी गुड हाँ जी आगे बढ़ते हैं और सेशन को आप लोग शेयर करते जाइए सेशन को आप लोग लाइक करते जाइए और जहां जहां पर शेयर कर सकते हैं वहां पर क्या करिए आप लोग शेयर करिए ठीक है अमोल प्रशांत शिवांगी प्रिंस मिश्रा अंकिता सोम आचार्य जो बच्चे हैं क्रिप्टोवेल गोविंद मलिक सैयद राहुल सिंह आजाद चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल यहां से आता है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर जो पदार्थ होते हैं इसकी चौथी अवस्था क्या होती है पहला तो हो जाएगा आपका कौन सा सॉलिड लिक्विड गैस चौथी स्टेट क्या होती है चौथी स्टेट क्या होती है किडनी right? हो गुर्दे की किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है न्यूरोन है या फिर आपका ग्लोमेर है या फिर आपका नेफ्रॉन है या फिर आपका यूरेटर है क्या है किडनी की फंक्शनल इकाई यूनिट एनी चलो

नाइट ब्लाइंडनेस है है। से रिलेटेड रिकेट्स। रिकेट्स हो जाएगा, से हो जाएगा। और विटामिन बी से बात करते हैं से हो जाती है बेरी बेरी बेरी, बेरी 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 नाम की बीमारी हो जाती है वाइटमिन बी से और यहाँ पर जाएगा वाइटमिन सी वाइटमिन सी से जो बीमारी हो जाएगी उसको बोलते हैं अपन लोग क्या बोलेंगे स्कर्वी बोलेंगे स्कर्वी जैसे मसूड़ों में सूजन वगैरह हो जाएगी तो ये स्कर्वी हो गए ठीक है क्लियर हो गई ये चीज चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से एक बात बताइए कि हमारी आंख में कुछ सेल्स पाई जाती हैं पीछे रेटिना की तरफ कुछ कौन सेल्स होती हैं कुछ रॉड सेल्स होती हैं तो जो कलर ब्राइंडनेस होती है जिसको बोलते हैं कलर ब्राइंडनेस को बोलते हैं क्या बोलते हैं रंग बड़ा करके हिंदी में बोलते हैं तो ये कौन सी सेल की वजह से होता है हमारी आंख में आईज में जो कलर ब्राइंडनेस होती है जो कलर ब्लाइंडनेस है वो कलर ब्लाइंडनेस चलिए कौन सी सेल की वजह से होता है कौन सी सेल होती है जो सही से फंक्शन नहीं करती है एनी वन चल जल्दी चल से चलो देखते हैं से कौन जवाब देता है सेल, सेल. तो लोग यहाँ पे लगा रहे हैं विजय कुमार गोविंद राहुल सिंह सब लोग यहाँ पे लगा रहे रॉड सेल लगा रहे हैं वेरी गुड तो रॉड सेल लगा रहे हैं चलिए वेरी गुड देखो यार रॉड सेल नहीं होगा यहाँ पर रॉड सेल होता है ब्राइटनेस के लिए और कौन सेल होता है कलर के लिए राइट तो कौन सेल हो जाएगा कलर के लिए right? हाँ जी रॉड सेल जो है लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें कंफ्यूजन मत करना ऐसे याद कर लो है ट्यूबलाइट क्या होती है रॉड होती, होती है ना ट्यूबलाइट क्या होती है रॉड होती है रॉड जैसी होती है तो उससे क्या निकलती है रोशनी निकलती है तो ब्राइटनेस के लिए कौन से हो जाएगी रॉड सेल हो जाएगी ब्राइटनेस के लिए रॉड सेल हो जाएगी ठीक और सी से कलर होता है और सी से कौन होता है राइट सी से कलर सी से कौन तो कौन सेल किसके लिए हो जाएंगे यहाँ पर कलर के लिए हो जाएंगे बोलो आई बात समझ में यहां तक इतना क्लियर हुआ हाँ या ना हाँ सी से कौन सी से कलर बहुत इजी है तो याद करना ठीक ऐसे करके इसको क्या कर याद कर लेंगे तो आप लोग बोलेंगे नहीं ठीक है चलिए और आंखों से क्या क्या पूछा जाता है एक और पूछा जाता है आपसे हाँ मायोपिया हाइपर माटोपिया मैं कल बताई चुका हूँ आप लोगों को जो बीमारियां हैं मायोपिया हाइपर माटोपिया प्रेस माओपिया राइट ये तीनों बीमारी मैं आपको कल बता चुका हूँ कल के सेशन में तो दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं ठीक उनको याद रहेगा आप लोगों को माओपिया मेरेपिया हाइपर माटोपिया हाइपरपिया दूर वाला समझ गए तो उसको आप लोग कल देख लीजिएगा कल मैंने आप लोगों को बताया था राइट वेरी गुड आगे बढ़ते हैं दोस्त हाँ कंजक्टिवाइटिस होता है भी बहुत है आगे बढ़ेंगे, होता है, और एक और थी किसी में आ, मुझे ग्लूकोमा ग्लूकोमा नाम की बीमारी होती है तो ग्लूकोमा बीमारी भी किसकी हो जाएगी आंखों की बीमारी हो जाती है राइट right? ये भी आपके एग्जाम में पूछी गई है ग्लूकोमा ये ग्लूकोमा नाम की बीमारी भी जो हो जाएगी वो आंखों से रिलेटेड हो जाएगी और ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल यहां से आता है कि द एसआई यूनिट फॉर द इम्पल्स की इकाई SI क्या है तो इस चैप्टर को करने का एक सिंपल फंडा है कि आप जितनी वैसा यूनिट चार पांच पन्ने लगेंगे उसको लिख डालो एक जगह पर नोट कर डालो जब भी एग्जाम हो एक बार उसको देख के चले जाओ तो इंपल्स की बात करेंगे देखो हो जाता है बेटा सिंपल सिंपल इंपल्स क्या होता है एक तरीके से बोलते हैं इंपल्सिप फोर्स है ना एक तरीके से फोर्स लगाया आपने फोर्स लगाया तो क्या हो जाए इम्पल्स हो गया तो पर्टिकुलर किसी टाइम पर आप जो फोर्स लगा रहे हो न्यूटन सेकंड तो न्यूटन क्या हो गया फोर्स हो गया और किसी टाइम पर तो ये हो जाएगा आपका इंपल्स हो जाएगा ठीक चलिए जूल किसकी हो जाएगी एनर्जी की हो जाती है एनर्जी ऊर्जा और ओम की बात करें तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा उसको प्रतिरोधक बोलेंगे प्रतिरोध ठीक है और रेडियन पर सेकेंड किसकी हो जाएगी बताइए रेडियन पर सेकेंड रेडियन पर सेकेंड किसकी यूनिट हो जाएगी चलिए बताइए एनिमन रेडियन पर सेकंड किसकी यूनिट हो जाएगी हाँ जी रेडियन एंगुलर वेरी गुड एंगुलर वेलोसिटी एंगल रेडियन पर सेकेंड एंगल नहीं नहीं रेडियन पर सेकेंड किसकी हो जाएगी एनी वन तो रेडियन देखिए क्या होता है जब कभी भी आपका कोई भी अगर एंगल आप ऐसे नाप रहे हैं तो ये जो होती है ना ये ये क्या होती है ये ये नापते हैं इसको बोलते हैं ये रेडियन हो जाएगा राइट right? रेडियन हो जाएगा ठीक है रेडियन हो गया और रेडियन पर सेकेंड क्या हो जाएगा एनी वन जैसे अपॉन एस अपॉन टी हो जाएगा ना अपॉन टी टॉर्क एंगुलर टॉर्क वेरी गुड बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ फॉलोइंग डज नॉट हैव यूनिट इनमें से किस मात्रा की इकाई होती ही नहीं है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सेलरेशन या फिर इम्पल्स तो इम्पल्स की ऐसा यूनिट तो हम अभी देख ही चुके हैं एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो ही गई ठीक और मास की तो हो ही जाती है मास की हो जाएगी राइट लेकिन तो आप देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी की कभी भी कोई भी इकाई नहीं होती क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है किसी ग्रेविटी की तुलना में ग्रेविटी निकाली जाती है तो रिलेटेबल होती है तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है ठीक है जो भी चीज रिलेटेबल होती है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती याद रखना राइट ठीक है चलिए किसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है जैसे कि अच्छाई कितने अच्छे हो अच्छाई की कोई यूनिट है नहीं है बुराई कोई यूनिट है कि भाई तुम पांच किलो बुरे हो या दस किलो बुरे हो या तुम्हारी दस की यूनिट बुरी है अच्छाई बुराई सुंदरता कुरूपता आपका रूप हाँ आपके, आपके यूनिट जो जो नहीं है क्योंकि ये सब है सारी चीजें क्या है रिलेटेबल है राइट आगे बढ़ते हैं चलो विच ग्लास इज यूज टू मेक द स्पेक्टिकल्स चश्मा बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है सोडा कांच पोटास कांच ग्लास और द जेना ग्लास इनमें से किसका यूज करते हैं एनी वन एनी वन जरा बताइए चलिए किस ग्लास का यूज करते हैं एनी बहुत बढ़िया क्रूस ग्लास का यूज करते हैं दरोगा का नया बैच कब आया कुमार राहुल भी आ चुके हैं अच्छा कुमार राहुल भी आ गए हैं लेके आएंगे आपके लिए जरूर जल्दी लेके आएंगे चलिए

इंगले, शिवानी इंग्ले शिवानी इंग्लेश शिवानी इंग्ल मुझे नाम याद आ रहा है पहले आपने मुझसे पढ़ा हुआ आई थिंक शिवानी इंग्लै राइट बता नहीं क्यों मुझे याद आ रहा है शिवानी इंग्ले नाम आपका राइट तो हिट नहीं कर पा रहा हूँ मैं लेकिन हाँ मुझे याद आ रहा है शिवानी इंग्ले राइट चलिए प्रिंट ग्लास का यूज करते हैं वेरी गुड फ्रिंट ग्लास का यूज करते हैं लोगों का आ रहा है प्रिंट ग्लास का यूज करते हैं वेरी गुड प्रिंट ग्लास का यूज करते हैं वेरी गुड प्रिंट की पायरेक्स यूज करेंगे फ्रेंड का यूज करेंगे या पायरेक्स का यूज करेंगे दो दो लोगों के कमेंट देखनी पड़ रही है यार इधर उधर पायरेक्स क्लास का यूज करेंगे ना आई थिंक पुनीत प्रिंस गोविंद एनीवन पायरेक्स यूज करेंगे ना पायरेक्स का हाँ जी पायरेक्स यूज करते हैं पायरेक्स ग्लास का यूज किया जाता है ये आपका हीटिंग वाले चीज़ों में राइट रोहित झा हाँ बिल्कुल तुम तो एकदम नए हो आज ही तो अवचरित हुए हो चलिए सावन आ गया बेटा अब तो तुम्हें दूध पीने को मिलेगा रोहित को पूरे महीने दूध पीना आराम से चलिए तो ये फायर क्लास हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल यहाँ से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ द एंटीमनी 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 का प्रतीक निम्न में से कौन सा हो जाएगा एजी एसबी पीबी या डब्ल्यू एनीवन क्या हो जाएगा इसका प्रतीक एनीवन सब लोग 10-10 रुपए का दूध पिलाएंगे रोज रोहित को एनीवन चलिए

सिल्वर राइट चांदी का हो जाएगा ठीक है चलिए और याद देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा ठीक है क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं वेरी गुड बढ़िया हाँ जी ए जी ओ जी वाला ने एजी एजी से चांदी लिख लो ऐसे याद कर लो ए जी मतलब चांदी ठीक है हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलते रहते हैं, उमर हो मरकरी हो गए आगे बढ़ते हैं इफ आइस फ्लोटिंग ऑन द वॉटर इन वेसल मेटल्स द वॉटर लेवल इन द वेसल यदि किसी बर्तन में पानी पर तैरती बर्फ फिघलती है तो बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा बढ़ेगा घटेगा क्या होगा जरा तो बताइए किसी बर्तन में अगर पानी पर तैरती बर्फ है और बर्फ अगर मान लीजिए पिघल जाती है तो पिघलने के बाद पानी के स्तर क्या हो जाएगा बढ़ेगा या घटेगा एनी वन चलिए बताइए जल्दी से बताएं बेटा जल्दी से रेवेंद सेम बोल रहे हैं कुछ लोग ओहो change बेटा बाबू पूत तो यार एक बात बताओ मुझे जब बर्फ जमती है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है बताएं जरा वो जितना डिस्प्लेस करेगी अपने अपने किसके अपने किसके बराबर अपने यहाँ देखेगा अपने अपने उसके बराबरी तो करेगी और जब वो बर्फ़ पिघलेगी पूरी तो अब भी से बात है जितना उसका ऊपर हिस्सा निकला होगा पानी में तैर रही है पिघलेगी तो उसमें कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आएगा कोई भी चेंज नहीं आएगा ना बढ़ेगा ना घटेगा ना बढ़ेगा ना घटेगा डज नॉट चेंज बढ़ेगा घटेगा नहीं ठीक है तो जब भी आप देखिएगा वो अपने वेट के बराबरी क्या करती है उसको रिप्लेस करती है जब वो पूरा पिघलेगा तो उसी बराबर में रहेगा क्योंकि वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है

उसको क्या बोलेंगे पुनीत से बहुत अच्छे बोलते हैं धन्यवादी तो है, है, मतलब हो तो right होनी ही क्यों चाहिए यार एंगजाइटी कोई चीज नहीं होती है कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है आपको कोई अगर मान ली एक दो नंबर से रुक जा रहा है क्यों घबराना अपने आप में भरोसा रखो यार इंसान का जन्म लियो इंसान की औलाद हो तुम हाँ जानवर आनवर तो वो नहीं जो कहीं पड़े रहोगे तो कोई तुम पर चारा नहीं डालेगा तो तुम खाना नहीं खा पाओगे अपने विश्वास रखो जो करोगे जिंदगी में अच्छा करोगे अच्छा करके ले जाओगे याद रखना कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर ही और नथिंग इज द एंड ऑफ लाइफ कोई जा रहा है तो जाने दीजिए कोई दूसरा आएगा कोई नहीं रुक रहा उसको जाने दीजिए किसी को रोकने की जरूरत नहीं है किसी से जलने की जरूरत नहीं है किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी से चोरी चकारी किसी से कोई भी चीज़ मत रखिए आप ना कोई एंगजाइटी होगी ना कोई बीपी होगा ना कोई डिप्रेशन होगा ना शुगर के बीमार बनेंगे जिंदगी मस्त से चल रही है मस्त से चलती रहेगी जुकाम खांसी बुखार होगा वो अलग चीज़ है राइट उसको नहीं हटा सकते लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो अपनी सोच को अच्छा रखिए बढ़िया रखिए ठीक है चलिए और हाँ अगर नींद नहीं आती किसी को तो अच्छी बात है तो वो उसके रीजन कुछ अलग हो सकते हैं चाहत आपने ऐसी कर ली तो जो चाहत आपकी पूरी हो नहीं सकती है उसका प्रयत्न करे जा रहे हैं रोज घसीटे जा रहे हैं लेकिन वो चाहत पूरी नहीं हो रही है तो नींद नहीं आएगी तुमको रात भर एंजाइटी रहेगी तो चाहतों को भी क्या करिए एक उसमें रखिए दायरे में रखिए राइट समझ गए ठीक है चांद को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर रोज उसको निहारते रहेंगे राइट आगे बढ़े चलिए सवाल यहाँ से अगला आता है कि एक्टिंग ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी ऑफ फोर्स कैन एक लचकदार जो पिंड पर कार्य करने पर बल क्या हो जाएगा जरा बताएं एनी चलिए रोहित झा बोल रहे हैं बाय भाई बताया बेटा चलिए एक्शन ऑन अ नॉन रजिड बॉडी अ फोर्स कैन फोर्स कैन क्या कर लेगा उसको उसको प्रोड्यूस द प्रोड्यूसन चेंज उसके आयमी परिवर्तन क्या करेगा उत्पन्न कर देगा लचकदार पिंड है ठीक है लचकदार पिंड का मतलब क्या हो गया लचकदार पिंड का मतलब हो गया कोई भी मतलब इलास्टिक चीज ढीली ढाली अब जैसे कोई बो ले लो बॉल ले लो अब उसमें ऐसे मार लो जैसे ये क्या हो लचकदार हो गया ना ये ऐसे लचकदार हो गया तो अगर ये मेरा गाल है ये लचकदार है अब इसको मैं ऐसे करूंगा देखो ऐसे कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है एक लिमिट तक एक जब इसका डायमेंशन चेंज होना बंद हो जाएगा उसको बहुत ऐसे मारूंगा तो क्या हो जाएगा ये से? इसमें मोशन भी आ जाएगा लेकिन ऐसे कर रहा हो देख रहे हो डायमेंशन चेंज हो रहा है तो ये डायमेंशन चेंज हो रहा है इसको डायमेंशन चेंज करेगा नॉन रिजिड बॉडी है ना तो ये डायमेंशन चेंज हो रहा है लेकिन इसको मैं बहुत तेजी से मारूंगा तो इसमें मोशन भी आ जाएगा राइट right? क्लियर हाँ या ना हाँ जी डायमेंशन चेंज हो जाएगा वेरी गुड बहुत बढ़िया हाँ जी <coughs> तो याद रखिएगा ये चीज हो जाएगी राइट तो ये हो जाएगा डायमेंशन चेंज इसको ऐसे याद रखिएगा नॉन वेड बॉडी है ना एक लचकदार चीज पर और कठोर चीज़ होगी अब देखो ये है जैसे कि ये हमारे लिए कठोर है अब इसको अगर मैं मारूंगा यहाँ पर ऐसे करके राइट तो या तो ये टूटेगी या आगे बढ़ेगी डिपेंड ऑन द फोर्स राइट चलिए आगे बढ़ते हैं वेरी गुड क्या टाइम हो गया अच्छा टाइम हो गया आगे बढ़ते हैं दोस्त सवाल देखते हैं क्लास का पता नहीं चल रहा टाइम हो गया यार दो दो तो तीन सवाल मैं और कराऊंगा आपको उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे राइट ये सवाल देख लीजिए आप लोग अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द ब्लीडिंग गम नीड्स टू बी इन इज फूड तो अगर किसी के मसूड़ों में क्या निकल रहा है खून निकल रहा है तो उसको किस चीज की कमी है किसी के अगर मसूड़ों में खून निकल रहा है तो उसको किस चीज की कमी है बेटा एनी किसी मसूड़ों में खून निकला किस चीज की कमी हो जाएगी तो उसको कमी हो जाएगी किसकी बेटा सिंपल सिंपल उसको किसकी कमी है नीबूब खाओ संतरा बंतरा उसको चटाओ नहीं नींबू चटाओ संतरा खाओ खट्टी चीज़ें खाओ अब खट्टी चीजें मतलब ये नहीं है कि मतलब तुम टाटरी खाने लग गए हाँ कुछ और खट्टा खाने लग गए तो खट्टा खाइए लेकिन हिसाब से खाइए राइट चलिए विटामिन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका इसमें आपके क्या हो जाती है ये स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है राइट स्कर्वी तो ये आपका बाकी मैं बताऊँ आपको, बता आपको मेरी जो क्लासें चलती हैं अभी जो ये वाली जो क्लास है टेक्स्ट बुक बिहार में जो चल रही है तो ये अभी क्लास मेरी चलती है टेक्स्ट बुक बिहार में टाइम नोट कर लीजिए मेरी क्लासेस का जो लोग मुझे जानते हैं पहले से कई सारे बच्चे मुझे मिल गए पुराने टेक्स्ट बुक बिहार में क्लास चलती है ये वाली

हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी इकोनॉमी टॉपिक वाइज क्या कर रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप आ सकते हैं सात बजे तो तीन क्लास की हो गई और ये हो गई आपकी यहाँ पर बिहार पे हो गई राइट और इसी के साथ साथ यहाँ टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जहां से आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है चलिए चलिए और याद रखिये यहाँ पर मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो है बेटा एपीएस के नाम से तो यहाँ पर आप आइए और सारी क्लास की मेरी जितनी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो इसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग ठीक है आज ही जाकर आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा राइट ठीक है जहां से आपको क्लास की इंफॉर्मेशन जो सारी की सारी मिल जाएगी ठीक है क्लियर एक दो सवाल और करा दें लिंक्स दे दो लिंक्स में दे दे रहा हूँ एक मिनट रुकिएगा जस्ट होल्ड अ मिनट मैं लिंक्स की लिंक क्या करता रहा हूँ पेश कर दिया लिंक को आप लोग क्या करिए यहाँ से ज्वाइन कर, कर लीजिए कोई डाउट अगर होता है तो मुझे आप मैसेज कर दो हाँ मैं बता रहा हूँ एक दो सवाल करवा दे रहा हूँ डोंट वरी कोई अगर डाउट आपको होता है तो आप मुझे आप मैसेज कर दो कोई अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो वो कर दो अच्छा नोबेल वाले लिंक यार मुझे उत्कर्ष उपाध्याय मुझे रात में ग्यारह बजे मैसेज करिएगा रात के बजे तो मैं आपको भेज दूंगा राइट बढ़िया ठीक है दो क्वेश्चन में करवा दे अच्छा दो क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ चलिए व्हाट ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस डील्स विद द स्किन ऑफ द ह्यूमंस तो चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा जो है मनुष्य की त्वचा से संबंधित है और बहुत चल रही है आज के डेट में लोगों को पिंपल निकल आता है डॉक्टर पास पहुंच जाते हैं कुछ भी हो जाए डॉक्टर पास पहुंच जाते हैं बढ़िया से पानी पियो खूब बढ़िया से पाँच छः लीटर डेली हाँ बढ़िया से डाइट रखो और देखो मैं एक हमारे टीचर हुआ करते थे वो कहते थे कि चौखट अगर सड़ी हुई है ना तो उस पर पे कितना भी पेंटिंग करवा लो वो गिरी जानी है चौखट मतलब अगर किसी का बेस अगर वैसा है तो बेस मजबूत रखो एप्पल एप्पल खाओ और बादाम बादा बादाम खाओ ड्राई फ्रूट्स खाओ बढ़िया सी स्किन और शरीर दोनों सही रहेंगे ठीक है ऊपर से पोतने की जरूरत नहीं है इसको राइट चलिए जितना पोतेंगे उतना और खराब होगी ठीक है चलिए तो आंसर हो जाएगा इसका बेटा डर्मोटोलॉजी उसको बोलते हैं डेमोटोलॉजी या डेमोटोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको जो तो उसका इलाज करते हैं उसकी जो विज्ञान की शाखा हो जाएगी उसको बोलेंगे Demetology. हाँ जी अब पूरा एकदम से पूरा प्लास्टर कर लेते हैं लोग यार पूरा पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं फाउंडेशन और ये वो ऐसा वैसा हाँ मस्कारा वगैरह अब ना उसमें हवा जा पा रही है ना हवा आ पा रही है पूरा पन्नी चिपका लिए हैं तो कहाँ से फिर तो स्किन खराब होगी ना थे थोड़े दिन के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल यहाँ से आता है कि यूनिट ऑफ द मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड इज नोन एज

हाँ कुछ तो लड़का से लड़की बने जा रहे हैं तो इतना शौक चढ़ा हुआ है बट कोई दिक्कत नहीं जमाना है आगे बढ़ते हैं चलिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी यहाँ पर लेट कॉपर ग्लास अभी याद करनी पड़ेगी यार और स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा किसकी होगी जल की होती है पानी की होती है वाटर की होती है राइट चलिए वाटर की होती है तो ये सवाल में खराब मेरी दूसरी ग्लास भी है तीन बजे से चलो ठीक है हाँ जी बहुत लोग हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कोई दिक्कत नहीं है हाँ मैं बोल दिया अंजलि कुमारी जी मैं मैंने आपका फेवर ले लिया तो ऐसे करके आप लोग क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर क्लास जो है आपकी करते रहिएगा डेली आपकी दो बजे चलेगी क्लास यहाँ पर और तीन बजे अभी लेखपाल क्लास चलेगी तो यूपी पर सात बजे शाम को जी एस इसको करनी है टॉपिक वाइज शाम को सात बजे टेस्ट यूपी पर आ सकता है इसके अलावा आपको यहाँ पर जो बिहार इसका क्या मिल रहा है आपको एक आपको फ्री आपको मिल रहा है यहाँ पर इसका क्या बोलते हैं एक्सेस मिलेगा सात दिन का तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और सात दिन का जो फ्री एक्सेस उसको क्या करिए आप लोग यहाँ पर लीजिए उसको ठीक है क्लियर हो गई चीज़ चलिए फिर आप मिलते हैं तब तक के लिए टाटा बाय टेक केयर गाइज ख्याल रखिए अपना बाय बाय और शाम को साढ़े चार बजे आना मत बोलिएगा मास्टर क्लास में फोर थर्टी पर ठीक चलो